नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। चुनाव का जोर पकड़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा, नामांकन और तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। दूसरे चरण के नामांकन 28 मार्च से शुरू हो चुके हैं। जहां चुनाव की इतनी सरगर्मी है, वहां तमाम पार्टियों के द्वारा अभी भी उम्मीदवारों का चयन तक नहीं हुआ। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उसमें से बड़ा असमंजस की स्थिति है। यहां तक कि कई जगहों पे उनके प्रत्याशी बदल दिए जा चुके हैं, बदले जा चुके हैं। मुरादाबाद है, रामपुर है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है। इससे कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं पर बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़े प्रश्न उठ रहे हैं और ये असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी की कमजोरी ही प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी में भी विद्रोह कम नहीं है। तमाम सिटिंग एमपी के टिकट या जो प्रत्याशित उम्मीदवार थे, उनको टिकट ना देकर भारी असंतोष का सामना भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी एक भी मामला ऐसा नहीं आया जहां पर कोई प्रत्याशी को लेके कोई असमंजस हो, कोई विरोध हो, कोई मनमुटाव हो। चुन चुन कर बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। हर वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़े वर्ग के हर जाति के लोगों को बड़े बड़े महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो संगठन के लोग हैं, जो संगठन में रात दिन काम करते रहते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी पद, बिना टिकट की प्रत्याशा में, ऐसे ऐसे लोगों को भी, जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उनको भी चुनाव में उतारा गया है और वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सशक्त उम्मीदवार, चाहे राजस्थान हो, जैसे भरतपुर में है, दौसा में है, इस तरह के अलवर में हो, तो इस तरह के कई जगहों पे बड़े सशक्त कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उतारे गए हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार की सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। वहां पर एक कैंडिडेट उतार कर अगर ये समीकरण कई सीटों पे, जहां पर निर्णायक वोट है मुस्लिम समाज का और अनुसूचित जाति का, जैसे हरिद्वार में 23-24% अनुसूचित जाति का वोट है और 25-26% मुस्लिम समाज का वोट है, 50% से अधिक ये संख्या केवल अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज की बैठती है। इसमें से थोड़ा बहुत पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग का वोट जुड़ जाने से
ये समीकरण बहुत मजबूत हो रहा है। इसी तरह की एक एक सीट की गणना की जाए तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति सफल होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर दे रही है, सीधे मुकाबला दे रही है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। पहले से और भी उनके रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जैसी जगहों पर तक अभी कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी जितना उछल रहे थे गठबंधन को लेके, इनके नेता, वो असमंजस की स्थिति में है। टिकट एक एक दो दो लोगों को एक एक क्षेत्र से टिकट दे देना, फिर उसका वापस करना, फिर दूसरा कैंडिडेट उतारना, कई जगह तो अभी तय ही नहीं हुआ। मेरठ में एक बहुत बड़े वकील तोप जो ईवीएम को लेके संसद के समक्ष दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे 4 महीने से, लग रहा था इनसे बड़ा शुभचिंतक समाज का अंबेडकरवादी, इनसे बड़ा काबिल कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है। और बाद में मेरठ से चुनाव लड़ने चले गए, वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने घुटने टेक कर टिकट के लिए गिड़गिड़ाते रहे। और अंत में जहां उनके नॉमिनेशन की बारी आ रही थी, पूरी तैयारी कर लिया था चुनाव लड़ने की, अपने जीत का दावा भी ठोक रहे थे, और 28 तारीख को उनका टिकट काट दिया गया, बदल दिया गया। अभी तक वहां समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट भी तय नहीं हुआ। तो इस तरह से लोगों का तो ये सोचना है कि चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रहे हैं। गठबंधन के लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार या गठबंधन को संपन्न हुआ मान रहे हैं, लेकिन कहीं भी जमीन पर गठबंधन नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। कोई कहीं से भी लड़ रहा है, कहीं कोई अनाउंसमेंट, कहीं कोई आपस में तालमेल, कहीं कोई गठबंधन की शर्तें, कुछ ऐसा तय अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव सही अर्थ में बहुजन समाज पार्टी ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी ही करने जा रही है। बस केवल एक अपेक्षा की जाती है मुस्लिम समाज के लोगों से कि जिस तरह से 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक अनुमान के अनुसार 90% से अधिक वोट दिया और कुछ नहीं हुआ, कहीं अगर ये 50% से थोड़ा बहुत ज्यादा वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को पड़ गया तो ये समीकरण इस पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगा और राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा, ऐसा मानना है। बाकी तो चुनाव के बाद परिणाम जैसा भी होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।